गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लेक्चरर एके ग्रोवर चैनल में। आज हम जो पोएम करने जा रहे हैं वो है मदर टंग, जो 11th किंग्स लिटरेचर की बुक जो वुवन वर्ड्स है, जो एनसीईआरटी सिलेबस है, जो आजकल राजस्थान बोर्ड में भी है, सीबीएसई दोनों बोर्ड में है, उसमें ये पोएम है मदर टंग, उसको हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मदर टंग जो पोएम है रिटन बाई पद्मा सचदेव जो है पोइट्रेस है, जो 1940 में उनका बर्थ हुआ, पैदा हुई थी वो पोइट्रेस, राइट्स इन डोगरी एंड हिंदी, यानी दो भाषाओं में लिखती है वो, डोगरी और हिंदी में। यू कैन से शी इज बाइलिंगुअल राइटर, बाइलिंगुअल पोइट्रेस, द्विभाषी जो कवित्री है वो। उसको मूलतः जो ओरिजिनली शी राइट्स इन डोगरी लैंग्वेज, और उसको जो डोगरी भाषा में उसके जो कलेक्शन था पोएम्स का, उसके लिए उनको 1970 में साहित्य अकादमी का अवार्ड भी मिला था। ये जो पोएम आपके सामने आ रही है मदर टंग, ये ओरिजिनली जो लिखी गई थी वो डोगरी भाषा में लिखी गई थी। लिखा है देखिए, पोएम ट्रांसलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल डोगरी। ये जो पोइट्रेस ने पोएम लिखी थी वो ओरिजिनल डोगरी में लिखी थी, डोगरी भाषा में, और यहाँ पर इसको ट्रांसलेट किया गया अपने लिए इंग्लिश के अंदर। इसमें क्या करती है वो पोएट्रेस, बीमोन्स द डिप्रीवेशन ऑफ डोगरी। बीमोन्स का मतलब विलाप करना, दुखी होना। वो किस बात पे दुखी हो रही है? डिप्रीवेशन का मतलब अलग होना, छोड़ना, वंचित होना ऑफ डोगरी फ्रॉम इट्स नेटिव स्क्रिप्ट शराडे, कि जो डोगरी भाषा है उस अपनी जो मूल नेटिव से मूल जो स्क्रिप्ट लिपि है शराडे, उससे वो अलग हो गई। That evolved from original Brahmi, जो शराडे थी वो किससे विकसित, किससे पैदा हुई थी, किससे निकली थी? मूल ब्रह्मी भाषा से। अब देखिए जो शराडे है वो कहते हैं आगे, once widely used by the people of all religions in the valley, जो कहता है शराडे भाषा जो है, शराडे जो है once widely, एक समय की बात है, widely का मतलब विस्तृत तौर पर यूज, उसको प्रयोग किया जाता था सभी धर्मों के लोगों के द्वारा। कहां पर? इन द वैली, कश्मीर वैली के अंदर, घाटी में, आप हिमाचल प्रदेश में भी इसका यूज होता था। तो कहता है रिप्लेस्ड बाय द पर्शियन स्क्रिप्ट फॉर वेरियस रीजंस। तो कहता है उसका रिप्लेसमेंट कुछ किया, उसका स्थान किसने ले लिया? पर्शियन स्क्रिप्ट ने, पर्शियन लिपि ने ले लिया फॉर वेरियस रीजंस। बहुत सारे कारण रहे इसके पीछे, विविध कारणों के कारण। अब कहता है प्रेजेंटली जो है, यानी वर्तमान में, बोथ पर्शियन एंड देवनागरी, जो पर्शियन और जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, पर्शियन समझते उर्दू के लिए यूज हुआ और देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है, स्क्रिप्ट्स आर यूज्ड फॉर डोगरी। अब डोगरी भाषा के लिए ये दो लिपियां यूज होती है वर्तमान में, हिंदी और उर्दू, जो उसकी मूल शराडे थी वो चली गई, इससे अलग हो गई। ए लैंग्वेज लिस्टेड इन द शेड्यूल्ड 8th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है उसके अंदर इस भाषा को 2003 के अंदर जो 92 तो ये इस भाषा का एक तरह से इतिहास मानिए, कुछ भी मानिए। अब इसमें जो पोएम आप देख रहे हैं, पोएट्रेस का जो प्रेम है अपनी मातृभाषा के प्रति, अपनी जो डोगरी भाषा के प्रति, वो इसके अंदर दर्शाया गया है। इसमें वो लिखती जो है पूरा का पूरा अपने आप को डेडिकेशन कर दे रही है, समर्पित कर रही है पूरी अपनी भाषा के प्रति, मदर टंग के प्रति, डोगरी के प्रति। तो देखिए किस प्रकार से लिखा पोएट्रेस, क्या कह रही है, ए टेक्स्ट ऑफ द पोएम है। देखिए, आई अप्रोच्ड ए स्टेम, आई मीन्स पोएट्रेस कह रही खुद जो है, अप्रोच मीन पहुंचना, मैं पहुंची गई, मतलब ए स्टेम, स्टेम समझते हो तना, सपोर्टिंग पार्ट जो होता है पेड़ का, मैं उसके पास गई, पौधे का जो सपोर्टिंग पार्ट है स्टेम, तना, स्विंगिंग ऑन ए रीड, स्विंगिंग मीन्स जो झूल रहा था, ऑन ए रीड, रीड का मतलब होता है सरकंडा, सरकंडे का पौधा जो उससे कलम बनती है, ध्यान देना, फेद। तो कहता है आई अप्रोच्ड ए स्टेम स्विंगिंग ऑन ए रीड, मैं गई एक स्टेम के पास जो एक रीड यानी सरकंडे के पौधे पर झूल रहा था, एंड आस्क्ड हिम, और मैंने उससे पूछा, आस्क्ड हिम, हिम किसके लिए कहा, स्टेम के लिए। तो ये मीन्स ये पर्सोनिफिकेशन दिया है इसने, इसको मानवीकरण किया है, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन समझते हैं आप कि जब हम जो निर्जीव वस्तुएं हैं, इन एनिमेट थिंग्स को एनिमेट की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीकरण इसको कहते हैं आप। तो आई एंड आस्क हिम, उससे पूछा स्टेम से, टू गिव मी
तो आस्क मतलब यहां पर कहने से मतलब है, एंड आस्क्ड हिम टू गिव मी ए क्विल। क्या कहता है, मैंने उसे क्या कहा कि मेरे को क्या दो, एक क्विल दो। क्विल होता है एक फेदर पेन, एक पंखधार कलम होती है, यानी लेखन जिसको आप कहें पेन कह सकते हैं, कि मेरे को एक क्विल दो, कलम दो। इरिटेटेड, इरिटेटेड मींस गुस्से में, चिढ़ जाना, गुस्से हो जाना। सैम जो है गुस्से हो गया। ही सैड, उसने कहा, आई गेव यू वन ओनली द अदर डे, कि मैंने आपको जो एक पेन दिया था, क्विल दिया था, वन एक पेन दिया था, ओनली द अदर डे, यानी अदर डे मीन्स कुछ दिन पहले दिया था, मतलब ए न्यू वन, एक नया दिया था मैंने क्विल आपको। सर ये स्टैम कह रहा है किसको, पोएटस को। व्हाट हैव यू डन विद इट, आपने क्या किया उसके साथ, व्हाट हैव यू डन विद इट, इट से मतलब क्विल। तो क्विल ही पूरी पोएम में सेंट्रल एलिमेंट है, ध्यान देना। आर यू सम सॉर्ट ऑफ एन अकाउंटेंट विद सम शाह, क्या कहते, क्या कहता है स्टैम उसको, पोएटस को, आर यू सम सॉर्ट, सॉर्ट भी प्रकार, क्या आप किसी प्रकार के एक अकाउंटेंट हैं, एक मुनीम है, विद सम शाह, किसी शाह के पास, शाह से मतलब किंग हो गया, अमीर व्यक्ति, शाह राजा के पास, राइटिंग अकाउंट बुक्स, जो उसके लिए अकाउंट्स की बुक्स लिखते हैं, यानी कहने का मतलब तुम्हें रोज पेन की जरूरत क्यों पड़ जाती है, क्या किसी शाह के पास नौकरी करते हो, मुनीम हो वहां, अकाउंटेंट हो, जिससे आपको उसके बही खातों का हिसाब करना पड़ता है, इसी जरूरत पड़ती है आपको। वेयर यू नीड ए न्यू पेन, कि जहां पर तुम्हें एक नए पेन की जरूरत पड़ती है, एवरी अदर डे, यानी हर दूसरे दिन तुम्हें जरूरत पड़ जाती है पेन की। ही आस्क, उसने पूछा उससे, तो कहते नो, नहीं। ध्यान देना, आई अप्रोच ए स्टैम, पोएटिस कहती है मैं स्टैम के पास गई, स्विंगिंग ऑन ए रीड, जो एक रीड के ऊपर सपोर्ट कर रहा था, झूल रहा था सरकंडे के पौधे पर, एंड आस्क, उसे क्या कहा, टू गिव मी ए क्विल, मुझे क्विल दो, एक लेखनी दो। इरिटेटेड, गुस्से हो गया स्टैम। ही सर, उसने कहा, आई गेव यू वन ओनली अदर डे, कि मैंने आपको एक दो दिन पहले दिया था आपको पेन, कुछ दिन पहले जो है, ए न्यू वन, एक नया क्विल दिया था। व्हाट हैव यू डन विद इट, तुमने साथ क्या कर दिया, क्या किया उस पेन का। आर यू सम सॉर्ट ऑफ एन अकाउंटेंट विद सम शाह, राइटिंग अकाउंट बुक्स, वेयर यू नीड ए न्यू पेन एवरी अदर डे। ही आस्क्ड, उसने क्या पूछा, क्या तुम किसी शाह के पास, किसी राजा के पास अकाउंटेंट हो, जहां पर तुम उसका बही खातों का हिसाब करते हो, अकाउंट बुक्स लिखते हो, इसे तुम्हें रोजाना जो है एक दो दिन बाद जरूरत पड़ जाती है, एवरी अदर डे पेन की जरूरत पड़ जाती है, नए पेन की। अब जो पोएटस क्या बोली, नो, नहीं। पोएटस का उत्तर क्या था, नहीं, आई डोंट वर्क फॉर ए शाह, मैं एक शाह के लिए काम नहीं करती, मैं एक राजा के लिए काम नहीं करती। आई सैड, मैंने कहा, बट फॉर ए शानी, मैं किसके लिए काम करती हूं, एक शानी के लिए, यानी रानी के लिए, क्वीन, शानी से क्वीन, वेरी काइंड, जो रानी मेरी बहुत ही दयालु है, वेरी वेल ऑफ, वेल ऑफ मीन रिच, बहुत अमीर भी है, एंड आई एम नॉट द ओनली वन वर्किंग फॉर हर, और कहता है मैं अकेली नहीं हूं जो उसके लिए काम कर रही हूं, शी हैज मैनी सर्वेंट्स, उसके बहुत सारे नौकर हैं, एवर रेडी, जो हमेशा तैयार रहते हैं टू डू हर बिडिंग, टू डू हर बिडिंग का मतलब उसकी आज्ञा मानने के लिए, बिडिंग से मतलब ऑर्डर, ऑर्डर मानने के लिए। दैट शानी इज माई मदर टंग डोगरी, वो शानी कौन है, मेरी मातृभाषा डोगरी है। तो अब देखिए यहां पर जो डोगरी को भी क्या किया गया, क्या माना, मदर टंग माना, यह भी पर्सोनिफिकेशन हुआ यहां पर, क्योंकि ट्रीट किया मदर की तरह, लेडी की तरह। फिर देखो, गिव मी ए क्विल क्विकली, अब यहां अर्जेंसी यूज हो रही है, देख देना कि जल्दी करो, गिव मी ए क्विल, मुझे एक क्विल दो, लेखनी दो। पोएटिस कहती है स्टैम को, क्विकली, जल्दी जल्दी, शी मस्ट बी लुकिंग फॉर मी, वो मेरा लुकिंग फॉर मी, तलाश करना। शी कौन हुआ, शानी, यानी मदर टंग, मेरी रानी जो है, कहता मेरी तलाश कर रही होगी। अब यहां देखो अर्जेंसी है, यानी आग्रह है, जल्दी जल्दी मांग रही है, क्यों, द पोएटिस वॉन्ट्स टू सर्व हर क्वीन, हर शहानी, हर मदर टंग, उसके लिखकर डेडिकेशन था उसके लिए लैंग्वेज के प्रति, तो डोगरी भाषा में उस पेन से लिखना चाहती थी वो, और उसको समर्पित करना चाहती थी, अपनी मातृभाषा को उसके प्रति लिखकर अपना सम्मान प्रकट करना चाहती थी डोगरी भाषा के प्रति। द रीड कट ऑफ इज इट्स हैंड, अब रीड जो है, ये भी पर्सोनिफिकेशन हुआ, रीड कहता खुश हो गया, उसने क्या किया, सरकंडे ने अपना हाथ काटा, गिव इट टू मी, मेरे को दे दिया, एंड सैड, और कहा, टेक इट, इसको ले जाओ, आई टू एम हर सर्वेंट, मैं भी जो मदर भाषा डोगरी है उसका मैं नौकर हूं। हर किसके लिए आया, डोगरी के लिए, मातृभाषा के लिए। ये पोएम कंप्लीट हुई। अब देखिए इस पोएम के अंदर क्या है, तो कहता है कि इसमें चार बातें देखिए मेन आ रही है, पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, पर्सोनिफिकेशन किसका हुआ, स्टैम का, क्योंकि पोएट ने ट्रीट किया उसको एक मैन की तरह, जो इरिटेट भी होता है, पूछता भी है क्या करते हो पेन से।
फिर मदर टंग डोगरी जो है वो भी पर्सोनिफिकेशन, उसको मदर माना एक तरह से उसने। तीसरा जो पर्सोनिफिकेशन रीढ़ का हुआ, जिसने मैंने हाथ काट के दिया, उसने कहा मैं नौकर हूं, ये भी एक पर्सन की तरह ट्रीट हुआ। तो तीन तो पर्सोनिफिकेशन हो गए मानवीकरण। फिर क्विल एज अ सेंट्रल एलिमेंट, पूरी पोएम में क्विल जो है यानी पेन जो है, फेदर्ड पेन जिसको आप कहें, लेखनी पेन जो है, पंखों वाला जो पेन है क्विल, वो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल एलिमेंट है पोएम का, मुख्य तत्व है। क्यों? पूरी पोएम में यह दर्शाया गया है कि जिस तरह से आप कहते हैं कि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, पेन जो है ताकतवर होता है तलवार से ज्यादा। तो मतलब यहां पेन की ताकत दर्शाई गई है कि पोएटस उस पेन के माध्यम से लिखेगी और अपनी मातृभाषा के प्रति अपना सम्मान प्रकट करेगी, जिसको उसको शाहनी कहा है उसने, मदर टंग को अपनी अर्जेंसी थी, आग्रह था कि जल्दी दो मेरे को, जल्दी मेरे को क्विल दो। एक क्यों मांग रही थी? क्योंकि वो लिखना चाहती थी, किसके लिए? अपनी मदर टंग के लिए लिखना चाहती थी, मदर टंग के लिए वो जल्दी जल्दी मांग रही थी पेन अपना। इमोशनल अटैचमेंट इसका है ही सी, क्योंकि वो पूरी भावना दर्शा रही है पूरी पोएम के अंदर कि उसका भावनात्मक संबंध है मदर टंग से, वो बहुत प्यार करती है अपनी मातृभाषा से, उसके प्रति समर्पित है और दुखी भी है कि अपनी वो मूल लिपि से बिछड़ भी गई है शराडे से, लेकिन फिर भी अपनी अपने आप को वो समर्पित कर रही है अपनी भाषा के प्रति। ये पूरी पोएम थी। अब इसके अंदर ये सारी बातें आ गई हैं, कंप्लीट हुई है पोएम आपकी, और उम्मीद है पोएम आपको पूरी समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं आपको कोई दिक्कत लगे तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से, और काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।